कि आपने कहा अदरक बंद कर दो, लहसुन बंद कर दो और आप मीट बंद कर दो। तो हमारा ये मानना है कि जो शराब है वो नवरात्रों में कहीं भी किसी भी धर्म में शराब का सेवन करना नहीं लिखा हुआ, ना कि नवरात्रों में शराब पी सकता है, मीट नहीं खाएगा, ये किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ। और शराब तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन शराब की दुकानें खुल रही हैं, उनके डिस्काउंट चल रहे हैं, 25-25% डिस्काउंट चल रहे हैं, उसको कोई ना मेयर साहब देख रहे हैं, ना दिल्ली सरकार देख रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। जीवन है जीने का, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है, संविधान भी हमको ये अधिकार देता है कि हम किस क्या खाएं क्या ना खाएं। समय हम अपने आप को बिल्कुल एकदम ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। ये रहा लेटर हमारा, हमने ये होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर को भेजा, हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा, एलजी साहब को भेजा और माइनॉरिटी कमीशन और दूसरी जगहों पर हमने अपनी इस बात पे शिकायत दर्ज कराई कि ये हमको जो डिक्टेट किया जा रहा है इसमें, और हमको 9 दिन नहीं, ये सिर्फ नवरात्रों की बात नहीं है। हर बार ये देखा गया है कि जब जब रमजान या नवरात्रे का त्योहार एक साथ आ जाता है तब जाकर के कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करना शुरू कर दी जाती हैं, जिसमें सरकार के चुने हुए नुमाइंदे ये बताने लगते हैं कि आपकी थाली में या आपके घर में क्या पकेगा ये वो डिसाइड करेंगे। इसी के चलते नंदकिशोर गुज्जर लोनी से जीते हुए विधायक, उन्होंने एक बवाल खास तौर पर नवरात्रे को देखते हुए शुरू किया, जिस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई कि नवरात्रे में मीट बैन रहेगा, मीट की जो बिक्री है वो आप नहीं कर सकते। पर उन्होंने एक नफरत के एजेंडे को परोसने की कोशिश की और जो गरीब तबका उस रोजगार से जुड़ा हुआ है उन्हें कितना नुकसान बीते 9 दिनों में उठाना पड़ेगा शायद इसका अंदाजा नहीं था। नंदकिशोर गुज्जर की बात से संभल भी जाते तो दिल्ली के मेयर ने यह ऐलान कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट साइड में मीट बैन रहेगा, जिसको लगातार जो है चुनौती देते हुए मीट मर्चेंट एसोसिएशन के तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं। इसी पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं अरशद कुरैशी साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये विवाद आया तब आप लोगों ने किस तरीके के स्टेप उठाए हैं, क्या आपकी मांगे हैं? जिस समय हमको इसके बारे में मालूम हुआ और SDMC के मेयर साहब ने जब ये फरमान जारी किया, उसके बाद से ही हमने अपनी शिकायत, ये रहा लेटर हमारा, हमने ये होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर को भेजा, हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा, LG साहब को भेजा और माइनॉरिटी कमीशन और दूसरी जगहों पर हमने अपनी इस बात पे शिकायत दर्ज कराई कि ये हमको जो डिक्टेट किया जा रहा है इसमें, और हमको 9 दिन नहीं, ये सिर्फ नवरात्रों की बात नहीं है, नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं और ये 18 दिन हो गए साल में 18 दिन, ये हमको हमारी रोटी रोजी से वंचित करना चाहते हैं, ये हमारा अधिकार है लाइवलीहुड, इससे हमको वंचित करना चाहते हैं। इसमें हमारे साथ गरीब तबका भी जुड़ा हुआ है, वो अपनी रोटी रोजी कैसे कमाएगा इस, और बिल्कुल भी SDMC के जो मेयर साहब हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया और एकदम हमको ये फरमान उन्होंने जारी कर दिया। क्योंकि मैंने ये देखा कि नंदकिशोर गुज्जर ने कई सारे वो डाले कि मतलब नवरात्रे के टाइम पर जो मीट बिकेगा उससे पंछी उड़ेंगे और उसमें सेना को दिक्कतें आएंगी, उनका प्लेन वगैरह वहां से गुजरेगा, कुछ इस तरीके की बातें लगातार देखने को मिली हैं सोशल मीडिया के जरिए से भी। आप किस तरीके से पूरी तरीके से तैयार हैं नंदकिशोर की बात जो लगातार एक नफरत का एजेंडा जो परोस रहे हैं खासतौर पर? देखिए ये असल में ये हालांकि दिल्ली की बात नहीं है, ये लोनी की है और लोनी गाजिया ये जो पड़ता है ये UP में पड़ता है, ये सिर्फ उन तक ही बात थी जब तक चुनाव थे, चुनाव के बाद से उनका भी वो एजेंडा ऐसा कुछ नहीं रहा है। यानी कि मौका ये आता है कि जब भी ऐसा कोई वक्त होता है, कोई टाइमिंग ऐसी होती है कि या तो किसी चीज़ से ध्यान भटकाना होता है या चुनाव का वक्त होता है, तो इस तरह के जो ये प्रपोज़ल होते हैं ये इनकी तरफ से आ जाते हैं। और लेकिन परेशानी हमको होती है, ख़ास तौर से इस समय हम अपने आप को बिल्कुल एकदम ठगा हुआ सा महसूस करते हैं जब हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है।
थका हुआ सा महसूस तो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के मेयर ने भी बयान दिया आप लोगों के खिलाफ में कि मीट जो है वो नहीं बिकेगा 9 दिन तक जब तक नवरात्रि चल रहे हैं। दिल्ली सरकार इस पर क्या स्टेप ले रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे तो समझ में आता है, सरकार का किस तरीके का रवैया आप लोगों के साथ है खासतौर पर? देखिए, अभी 2 दिन हुए हैं, हमने ये अपने लेटर सब जगह भेजे हैं और इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने तीनों MCD के जो कमिश्नर हैं उनको इन्होंने क्या इसकी जवाबदेही के लिए बुलाया है। ये इसमें आया था दिल्ली में, ये दिल्ली के जो माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं मिस्टर जाकिर खान साहब, उन्होंने इस ओर से संज्ञान लेकर उन तीनों को 8 तारीख को, जहां हमें पता लगा, हमारे पास एक लेटर आया है उसमें 8 तारीख को 3 बजे तक उन लोगों से अपनी बात कहने का कहा था कि भाई ये किस तरह से हो रहा है, इस तरह से ये मेयर साहब कैसे डिक्टेट कर सकते हैं विदाउट एनी अपनी मन मर्जी से, कि इनका नेता कोई भी कुछ कह सकता है, कुछ भी लागू कर सकता है, कानून को एकदम साइड में रखकर, जो कि कानून एक बना हुआ है जिसमें हमें अपने जो जीवन है जीने का, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है, संविधान भी हमको ये अधिकार देता है कि हम किस क्या खाएं क्या ना खाएं, इसकी अपनी खुशी से हम चुन सकते हैं और जायज़ तरीके से हम अपनी रोटी रोज़ी जो अर्न करते हैं उसके लिए भी, ये जो संविधान में हमारा अधिकार है उसके ऊपर ये एक तरह से चोट की जा रही है, हमारे अधिकारों पर चोट की जा रही है हमको ये डिक्टेट करके, फरमान जारी करके कि आप कुछ खास दिन इस काम को नहीं करेंगे। लगातार जो है डिक्टेट किया जा रहा है आप लोगों को, जैसे संविधान अधिकार देता है कि क्या कौन खाएगा, ये सरकार के नुमाइंदे नहीं, ये खुद वो व्यक्ति डिसाइड कर सकता है जो खाएगा, पर लगातार जब ये, क्योंकि आज ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है मीट बैन करने की बातें, कभी हलाल कभी कुछ, तमाम चीज़ें आ रही हैं, तब से लेकर के अब तक आप लोगों ने किस तरीके के कदम उठाए और आगे किस तरीके के तरीके से तैयार रहेंगे इन चीज़ों के लिए आप लोग? देखिए, जब भी ऐसा कोई समय आता है दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से हम अपना प्रोटेस्ट हर जगह दर्ज कराते हैं, खतो किताबत की जाती है और इससे जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं उन सबसे मिला जाता है और हम अपना रोष व्यक्त करते हैं इस बारे में, हमारी कार्रवाई भी होती है और अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो हम उसको फिर अपनी जुडिशरी के पास कोर्ट तक भी लेकर जाते हैं। कोर्ट तक लेके जाने की बातें की जा रही हैं, इरशाद बाबा कुरैशी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। संविधान अधिकार देता है कौन क्या खाए कौन क्या ना खाए, लगातार जो पॉइंट किया जा रहा है खासतौर पर मुसलमानों को, कभी हलाल कभी मीट बैन, किस तरीके से आगे आप लोग तैयार हैं इन चीज़ों के लिए? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन ने जो कई दफ़ा SDM साहब को, मेयर से हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये एक संविधान के खिलाफ बात है, लेकिन उन्होंने इस बात को नकारते हुए आदेश कर दिया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि ये जो जो हमारे दुकानदार हैं वो लाइसेंस लेते हैं, बाकायदा टर्म कंडीशन पूरी करते हैं, काले शीशे रखते हैं, दुकान के अंदर सारा माल बेचते हैं, ये उन्होंने जो वहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने आपको अपने बचाने के लिए जो लोग नाले पे रोड पे किनारे खुल्लम खुल्ला मीट बेचते हैं उनको पे पाबंदी नहीं लगाई, ये पाबंदी उन पे लगाई है जो कि जो लाइसेंस अधिकारी लेके बैठा हुआ। दूसरी बात कि हमने मेयर जो हमने होम मिनिस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री में, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में भी हमने लेटर भेज दिए हैं, लेकिन जाकिर खान जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं उन्होंने संज्ञान लिया है और उन्होंने पूछा है तीनों मेयर कमिश्नर, तीनों मेयरों से और तीनों कमिश्नरों से कि आप ये बताइए ये संविधान में कानून में कहाँ है जो आपने बगैर पूछे जो लागू कर दिया, क्योंकि जब तक कोई संविधान कानून में है ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि कौन क्या खाएगा कौन क्या पहनेगा वो है दूसरी बात, और दिल्ली के अंदर जो है कम से कम 2.25 करोड़ या 2.25 करोड़ की आबादी है जिसके अंदर 80% लोग नॉन वेजिटेरियन है, 20% वेजिटेरियन है, लेकिन नवरात्रों के दिन हमारा जो दुकानदार है वो हिंदू भाइयों की बात को रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए अपनी दुकानों के आगे गेट बंद रखते हैं और पूरा इंतजाम रखते हैं कि हिंदू भाइयों की जो है मान सम्मान को क्षति ना पहुंचे, लेकिन ये बजाय इलीगल स्लॉटिंग को रोकने के बजाय और चीज़ें रोकने के बजाय इन्होंने लाइसेंसधारी जो यहाँ तक कि एयर कंडीशन दुकानें हैं लाइसेंस लिए हुए हैं और बाकायदा इनकम टैक्स पे ही हैं, उतनी साफ सफाई दुकानें हैं उन्हें कुछ नहीं कहा, रोड पे क्या हो रहा है MCD पूरे साल सोती रहती है MCD, लेकिन 9 दिन के लिए
ये शुरू कर दिया। दूसरी बात कि जो पूरी दिल्ली है उसके अंदर मुस्लिम इलाके भी बहुत हैं, 20% अगर मुस्लिम आबादी रहती है, साउथ MCT में संगम विहार है, अपना जाकिर नगर है, शाहीन बाग है, और जहाँ मुस्लिम इलाके हैं, हौजरानी है, इन जगह पे जो रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है उसमें रमज़ान के लिए कोई छूट नहीं है। कि जो अगर आप ये बंद कर देंगे, जो लोग खाते हैं, ईसाई भाई खाते हैं, सिख खाते हैं, यहाँ तक कि जो चितरंजन पार्क में है, ये जो दुर्गा पूजा मनाते हैं बंगाली भाई, वो इसको प्रसाद के रूप में बांटते हैं, और बाकायदा ये दुर्गा पूजा होती है उसमें प्रसाद बढ़ता है। इन सबको नज़रअंदाज करते हुए एक नया फरमान जारी कर दिया बिना पूछे, कम से कम जो कानून क्या कह रहा है उसकी कोई अनदेखी कर दी, इसका जवाब उनके पास है नहीं और उन्होंने कह दिया। लेकिन अभी जो हमारे पता लगा कि तीनों MCDO के कमिश्नरों ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, ना हमें जवाब दिया है और ना ही माइनॉरिटी कमीशन को जवाब दिया है। अभी कोई जवाब दिया नहीं गया है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि एक नेशनल मीडिया में एक डिबेट का हिस्सा बना हुआ है कि अगर नवरात्रि के दिन पर मीट पर रोक लगा दी तो क्या हो गया, ऐसी कौन सी आफत आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बात उठ रही है कि अगर नवरात्रि के दौरान मीट बैन हुआ है तो रमज़ान में शराब बैन क्यों नहीं। हाँ, यही हमने जो कहा उनसे कि आपने कहा अदरक बंद कर दो, लहसुन बंद कर दो, और अब मीट बंद कर दो, तो हमारा ये मानना है कि जो शराब है वो नवरात्रों में कहीं भी किसी भी धर्म में शराब का सेवन करना नहीं लिखा हुआ, ना कि नवरात्रों में शराब पी सकता है, मीट नहीं खाएगा, ये किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ। और शराब तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन शराब की दुकानें खुल रही हैं, उनके डिस्काउंट चल रहे हैं, 25-25% डिस्काउंट चल रहे हैं, उसको कोई ना मेयर साहब देख रहे हैं, ना दिल्ली सरकार देख रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है कि शराब की दुकानों में जब लोग सारी शराब पैसा शराब में खर्च कर देगा तो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा, वहाँ नहीं ध्यान दे रहा। ये 9 दिन मीट नहीं खाएगा उस पर ध्यान दे रहा। दूसरी बात कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर 50 रुपये बढ़ा दिए, सिलेंडर 250 बढ़ा दिए, CNG बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, उसका कोई ध्यान नहीं है। उसका ध्यान भटकाने के लिए ये छोटा सा इशू को इतना बड़ा इशू कर दिया मीडिया ने कि लोग इस चीज़ को भूल जाएँ कि भाई पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, इतनी महंगाई क्यों हो रही है, बच्चों की फीस कैसे दी जाएगी, वो लोग सब भूल गए। तो मेरा मानना ये है खाने का जो राइट है, कोई मीट जबरदस्ती नहीं खा सकता, ना कोई खिला सकता। तो मेरा मानना यह है जिसका मन है वो खाए, जिसका मन ना खाए। दूसरी बात, साउथ दिल्ली के अंदर 15,000 रेस्टोरेंट हैं, 5-स्टार होटल हैं, और वहाँ पे डिप्लोमेट जो एम्बेसियाँ जो हिंदुस्तान के अंदर आई हुई हैं, और वो हमारे देश का नाम भी ख़राब कर रहा है, हिंदू मज़हब के नाम पर ये देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि जितनी ये एम्बेसियाँ हैं ये लोग मीट खाते हैं, वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, तो ये हमारे देश का क्या मैसेज आएगा। मेरा मानना यह है कि इस चीज़ को रेस्टोरेंट में लोग घर नहीं खाते, रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर छोटे छोटे लोग काम करते हैं, वेटर काम करता है, चपरासी काम करता है, इन सब की अगर ये मीट बंद हो जाएगा तो इन लोगों का जो हज़ारों लोगों की रोजी रोटी है वो खतरे पड़ जाएगी। खाली मीट के दुकानदारों की रोजी रोटी नहीं खराब होगी, हज़ारों लोगों की रोटी रोजी खराब हो जाएगी, हज़ारों लोगों की रोजी रोटी खराब हो जाएगी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा अर्शद साहब, क्योंकि एक डेटा जो सामने आता है, रिपोर्ट जब भी आप निकालते हैं तो 10 बड़ी बीफ कंपनियों के अगर नाम आते हैं तो सब नाम जो हैं वो मुस्लिम से होते हैं, पर इनके पीछे जो हैं वो गैर मुस्लिम होते हैं, क्योंकि अडानी के हाथ में पूरा इंचार्ज है, जो कि एक रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने आई। छोटे कारोबारियों को दबाने के लिए ये हथकंडा अपनाया गया, और आप लोग जो है उन चीज़ों के खिलाफ बिगुल क्यों नहीं फूंकते। देखिए, ये जितने भी ये जो बड़े बड़े बीफ के एक्सपोर्टर हैं, और आज हिंदुस्तान पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का, और इसमें जो ज़्यादातर बड़े एक्सपोर्टर हैं वो सभी हमारे गैर मुसलमान हैं उसमें कोई। और नाम अगर आप कहेंगे कि अल नूर नाम है, अरेबियन है, और अल कबीर है, और इस तरह से जो आपको एक तरह से ये शुभा पैदा करते हैं कि बस ये जो नाम है इनके पीछे किसी कोई मुस्लिम एक्सपोर्टर होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो और दूसरे हमारे हिंदू भाई हैं वो लोग इस काम के जो बड़ा जो काम है वो सारा तमाम हिंदू भाई जो हमारे हैं जो एक्सपोर्टर हैं वो करते हैं। मुसलमान खाली, ये भी एक गलत धारणा है कि मुसलमान इस धंधे से सिर्फ मुसलमान जुड़ा हुआ है, इससे हमारे सिख भाई भी जुड़े हुए हैं, हिंदू भाई भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी झटके का काम करते हैं और हलाल के काम से मुसलमान जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो किसान हैं जो ये बकरे पालते हैं या स्किन का काम है, कि ये सिर्फ मीट से ताल्लुक़ रखने वाला काम नहीं है। उसके अलावा जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हज़ारों रेस्टोरेंट है जहाँ पे मीट परोसा जाता है, वहाँ पर अगर ये बंद हो जाते हैं, मान लीजिए 9 दिन बंद हो जाता है, तो इसके साथ साथ वो मीट भी बंद हो जाएगा सब जगह क्या। लेकिन जो बड़ी कंपनियाँ हैं क्या उनको भी ये बंद करेंगे, जैसे लीशेज है, फ्रेश होम है,
इनको भी कहीं बंद करेंगे या उनको बढ़ावा दे के ये हमारे छोटे दुकानदार को कुचलने की कोई साजिश रची जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा हो जाता है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, नवरात्रि के समय पर मीट तो बैन कर दिए गए, क्या रमजान में शराब बैन होनी चाहिए या नहीं? जी, अगर से वो उसको बैन करा है तो उसको भी होना ही चाहिए, अगर से उसके हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से भी देखेंगे तो करना ज़रूरी है। लेकिन हमारी समुदाय में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग ऐसा फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लोगों को दिमाग को ख़राब करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं, लोगों के दिमाग को ख़राब करते हैं। एक आखिरी सवाल अर्शद साहब लेना चाहूँगा, क्योंकि MCD इलेक्शन भी आने वाले हैं, 9 महीने तक पूरे दिन खामोश रहती है MCD, और मेन टाइम पर नवरात्रे पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर द्वारा ये भाषण दिया गया, क्या राजनीतिक प्रोपागेंडा है, ये देख रहे हैं ताकि पोलराइजेशन कर सकें? बिल्कुल, हमको ये लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित बात है, क्योंकि इसकी टाइमिंग ऐसी है, अभी कह दिया था, अभी तो मालूम नहीं कि इलेक्शन होंगे या कब होंगे, पहले तो 3 महीने का एक्सटेंशन हो गया था, लेकिन अब तो जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तीनों MCDO को एक किया जा रहा है, उसके बाद अब ये कब होगा ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमको ये लगता है कि ये एक तरह से ये राजनीति से प्रेरित मामला है, जिसमें जो कि BJP ये राजनीति करती आई है, जिसमें हिंदू मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए ये लोग कोई ना कोई पैतरे चलते रहते हैं। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के जी, हाँ, एक बात ये मैं कहना चाह रहा था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो एक तरफ तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरह ये जो पार्टी जो है वो अलग है, पार्टी के छुटपैया नेता जो हैं अपना नाम चमकाने के लिए और इतनी बड़ी पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी पार्टी है BJP, और BJP के जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर हैं और जितने भी नेता हैं वो भाई ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबको खाने का अधिकार है। भाई गोवा में जो BJP की सरकार है वो वहाँ पे बीफ को इंतजाम करने को तैयार है, और जितने भी इनकी स्टेटें हैं BJP गवर्नमेंट वहाँ प्रोवाइड करती है। लेकिन जो कुछ नेता हैं, जैसे ये गुजर हो गए और ये मेयर साहब हो गए, ये उन जो BJP के जो बड़े नेता हैं उनका नाम खराब कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी वो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, जब रमजानों के अंदर रोजे खोलने के लिए जगह जगह रास्ते खोले जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, जब राशन बढ़ता है तो सबको बांटा जाता है, तो वो हिंदू मुसलमान तो देखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो धर्म के नाम पर जो ये पोलराइजेशन किया जा रहा है, जो नए नए नेता हैं लाइमलाइट आने के लिए, TV पे आने के लिए, दिखाने के लिए कि हम भी BJP के वर्कर हैं, लेकिन BJP का नाम बदनाम कर रहे हैं, बल्कि नागरिकों नाम कर रहे हैं। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के तमाम अधिकारी मेरे साथ मौजूद थे, जहां सवाल यही खड़ा हो जाता है कि नवरात्रि के दौरान गरीब तबके, मजलूम लोगों की दुकानें बंद करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, पर जो लोग राजनीतिक रोटियां इस समय पर सेक रहे हैं, क्या वो लोग बड़े बड़े उद्योगपति जो बीफ एक्सपोर्ट में पूरी तरीके से मिले हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ भी बिगुल फूंकने की कोशिश करेंगे?